तो भाई साहब भोला मूवी जो कि अब 30 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, तो उसका ट्रेलर आज लॉन्च हो चुका है। हालांकि इसके पहले इसके दो टीजर लॉन्च हो चुके थे, लेकिन इसका ट्रेलर अब लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो में हम भोला के ट्रेलर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हो वाइल्ड वाइन SZV। तो अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये भोला मूवी एक तमिल मूवी का रीमेक है जिसका नाम था केथी, जिसको डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज ने, और ये एक यूनिवर्स का भी हिस्सा है जिसे हम कॉमनली लोकीवर्स के नाम से जानते हैं, और इसी यूनिवर्स की विक्रम ये भी मूवी थी। तो भोला ये मूवी इस केथी मूवी का रीमेक होने के बाद भी इसमें इन्होंने खुद के टेक लेने की कोशिश की है। जैसे कि ओरिजिनल केथी मूवी में एक भी दिन का सीन नहीं था, वो मूवी पूरी की पूरी नाइट में शूट हो गई थी, लेकिन भोला के ट्रेलर में हमें इसके दिन के कई सारे शॉट्स देखने को मिल जाते हैं। वेयर एज केथी मूवी में हमें केथी के मेन कैरेक्टर की यानी कि मेन लीडर की जरा भी बैक स्टोरी बताई नहीं गई थी। हालांकि डायलॉग्स के बारे में थोड़ा फार कुछ हिंट दिए देखे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ऐसी ओरिजिनल स्टोरी नहीं दिखाई थी। लेकिन वेयर एज भोला के ट्रेलर में हमें भोला की बैक स्टोरी भी दिखाई गई है ऐसा लगता है। तो ये एक रीमेक होते हुए भी इन्होंने इसमें खुद के टेक लेने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो भोला एक जेल का कैदी होता है जिसकी सजा अब खत्म हो चुकी होती है, वो जेल से रिहाई होने वाला होता है। लेकिन वहाँ पे तब्बू जो कि एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो उसे बोलती है कि उसे कुछ कार्गो लेके गाजियाबाद जाना पड़ेगा जो कि यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर दूर है। और सबसे पहले तो भोला ना कह देता है, लेकिन वो बोलती है कि ये कुछ एक रात का ही तो सवाल है, जिसके चलते भोला भी हाँ कह देता है। लेकिन उस कार्गो में कुछ ऐसा होता है जिसके चलते भोला के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। अब वो कार्गो में क्या होता है और उसके लिए ये गुंडे क्यों उसके पीछे पड़े हैं, इन सभी सवालों के अगर आपको जवाब चाहिए तो हमको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अजय देवगन ने, जिन्होंने इसके पहले भी शिवाय या फिर रनवे 34 जैसे मूवीज को डायरेक्ट किया है। तो अगर आपने इन दोनों मूवीज को देखा होगा तो आपको एक बात कॉमन पता चली होगी कि अजय देवगन एक्शन सीक्वेंस को लेके कई सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और वही एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने इस मूवी में भी करने की कोशिश की है और वो काफ़ी तगड़े लग रहे हैं। भाई साहब इसके एक्शन सीक्वेंस काफ़ी लाजवाब है, और जो सिंगल टेक एक्शन सीक्वेंस है वो तो दिल को छू जाते हैं। खैर इस ट्रेलर की हाईलाइट रहे दीपक डोबरियाल, भाई साहब हमने उनको पहले कभी भी ऐसे रोल में नहीं देखा है एंड ही इज नेलिंग इट। तो ये ट्रेलर भले ही इसके बाकी के दो टीजर जैसा एक्शन पैक नहीं हो, लेकिन ये ट्रेलर हमें इसके स्टोरी के बारे में बहुत कुछ चीजें रिवील कर देता है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी ये ट्रेलर कहीं भी मूवी के हाइप को डाउन नहीं करता, बल्कि इसे और भी बढ़ा देता है। और इसी के साथ इसमें जो डायलॉग्स का यूज किया गया है यानी कि तुम मरता क्यों नहीं, आज मौत महाकौल को चढ़ा के आए, या फिर शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता, ऐसे जो भारी भारी डायलॉग्स का यूज किया गया है ये तो थिएटर्स में आग लगा देने वाले है। खैर मैं तो इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके साथ साथ इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करते नहीं हो यार तुम चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस बनाने का मोटिवेशन उस सब्सक्राइब बटन से ही तो आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ साथ रॉकी फ्रेंचाइजी की 9th मूवी क्रेड 3 ये मूवी भी रिलीज हो चुकी है, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SZV।